करो। कौन गद्दार है? नवाज शरीफ। अच्छा हाँ। क्या किया उसने ऐसा जो आप उसे गद्दार कह रहे हैं? इंडिया वाले के साथ। इनके चैनल को फॉलो करें जी, लाइक करें, मेहनत कर रहे हैं, कश्मीर पे काम कर रहे हैं जी, तो लाइक करें। यही मेरा मैसेज है कि आप इलेक्शन फ्रॉड करें जो आप कर रहे हैं और जो आपका अगले प्लान है, और हम इंशाल्लाह हम हर स्टेप लेंगे और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे। Hey guys, good morning, welcome back to another new vlog. अभी टाइम और सुबह के 12 और अभी मैं जा रहा हूँ मुजफ्फराबाद, क्योंकि आज 29 सितंबर, आप लोगों को पता भी है, यहाँ पर कश्मीर वाले जितने भी हैं उन्हें पता है कि आज इमरान खान का जलसा होने जा रहा है मुजफ्फराबाद में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में, तो उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। बाकी सारी जो गाड़ियाँ थी वो निकल गई हैं, मैं लेट हो गया था, उसकी रीज़न ये थी कि मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड करनी थी, उसके बाद शावर वगैरह लिया, आप लोगों के सामने आ गया हूँ, और पीछे रेहान भी आ रहा है मेरे साथ, और साथ आज जबार होंगे। तो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं सीधा मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद जाके ही आगे की रूटीन जो भी होगी, आज काफ़ी ज़्यादा लोगों से भी मैं कुछ सवालात करूंगा इमरान खान के जलसे के बारे में, तो मज़ेदार व्लॉग होने वाला है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मैं आपसे मिलता हूँ जाके सीधा मुजफ्फराबाद में। सो गाइज, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं मुजफ्फराबाद। पीछे मेरे आप लोग देख सकते हो नडल क्रिकेट स्टेडियम है, और वो पीछे जो आप लोग देख रहे हो ये यार आज इमरान खान का हेलीकॉप्टर जिस पर वो आए, मैं अभी आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। मैं रास्ते में जा रहा था तो अभी इधर मुझे हेलीकॉप्टर नज़र आया उनका, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो भाई ये है इमरान खान का हेलीकॉप्टर, और ये है नडोल क्रिकेट स्टेडियम, नडोल नहीं बल्कि नडल इसका नेम है, और यहाँ पर इमरान खान साहब का जो हेलीकॉप्टर है वो आया है, और बाकी खुद वो चले गए। ये सामने रहा पीसी, आप लोगों को नज़र आ रहा है पीसी पे गए, और अभी जो यूनिवर्सिटी ग्राउंड, अभी हम लोग उधर ही जाएंगे, जलसा वहीं पर होना है। तो भाई इमरान खान की तकरीर स्टार्ट है, और अभी हम लोग बाहर से ही जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो आवाम कुछ वापस आ रही है और कुछ जा रही है, क्योंकि आज लोगों को जो है एंट्री वो नहीं मिल रही। तो भाई अभी हम लोग मौजूद हैं जलसा गाह में, जो कि यूनिवर्सिटी ग्राउंड में हो रहा है, और मेरे साथ है कि आप लोग देख सकते हो छोटा सा बच्चा मौजूद था यहाँ पर जलसे में, तो मैंने कहा किसे कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? स्कूल पढ़ते हो? स्कूल पढ़ते हो? स्कूल नहीं पढ़ते, मदरसा पढ़ते हैं। मदरसा पढ़ते हैं, तो आज आप इधर क्या करने के लिए आए थे? इधर क्या करने के लिए आए थे, क्यों आए थे? तो आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं? कितने हैं? आप ये तो नहीं बता सकते कितने? बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सिर्फ अच्छे लगते हैं। तो मुझे ये बताएं बड़े होकर क्या बनेंगे? बड़े होकर? हाँ फौजी बनना है। तो क्या नाम है उसका? तो कभी बख्शे भी नहीं, क्योंकि ये कानून की खिलाफ वर्जी है कि आप इलेक्शन फ्रॉड करें जो आप कर रहे हैं और जो आपका अगले प्लान है, और हम इंशाल्लाह हम हर स्टेप लेंगे और हम हर कानूनी कार्रवाई तुम्हारे पे करेंगे, जो आप इनके साथ मिलके इस मुल्क की अवाम के मैंडेट को, अवाम के मैंडेट की खिलाफ वर्जी जो तुम करने जा रहे हो, ये कौम नहीं माफ करेगी तुम्हें, ये जुर्म है। और मुजफ्फराबाद माशाल्लाह जिस तादाद में आप आए, जो आपका जज्बा जरून, और जो ये ख्वातीन धूप के अंदर बैठी रही, मैं आज आपके जज्बा जुनून और शऊर को सलाम करता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब ने आज तकरीर कैसी की है? इमरान खान ने आज तकरीर कैसी की है यहाँ पर आके? अच्छी। आपको अच्छी लगी है?
तो उसके अलावा जो दूसरे मुझे ये बताएं, दूसरे जो शहबाज शरीफ लोग हैं वो आपको अच्छे नहीं लगते, वो क्यों? सिर्फ इमरान खान की चाहत में आप इस जलसे में आए? वो गद्दार है। कौन गद्दार है? नवाज शरीफ। अच्छा हाँ। क्या किया उसने ऐसा जो आप उसे गद्दार कह रहे हैं? इंडिया वाले के साथ। अच्छा, इंडिया वाले के साथ मिला हुआ है। तो दूसरी जो उनकी बेटी है मरियम नवाज, वो भी इंडिया वाले के साथ, मतलब इंडिया वाले के साथ सब मिले हुए हैं? इमरान खान की कौम छोड़ के सब मिले हुए। जी हाँ जी, एक इमरान खान ही मिला हुआ है, बाकी सब इंडिया के साथ मिले हुए हैं। और आपके ख्याल में ये है कि मुल्क के लिए आप किसे बेहतर समझते हैं? आर्यन। मुल्क के लिए तो सब भी बेहतर है। नहीं नहीं, मतलब जो अस्सलाम, कैसे ये जी जनाब लगी आवाज़ साहब? कैसे हैं आप? खैरियत है? ड्रोन चल रहा है आपका? हाँ, ड्रोन चल, छोटा ड्रोन आप ही का यहाँ पे बैठ ही नहीं रहा था, वही आप ही का मेरे यार। मैंने बिठाया ही नहीं है, मैंने खड़ा रखा है मेरे दिया रहा हूँ। इनके चैनल को फॉलो करें जी, लाइक करें, मेहनत कर रहे हैं, कश्मीर पे काम कर रहे हैं जी। तो यही मेरा मैसेज, सब्सक्राइब करें। और आप ठीक ठाक हूँ? सब मजे में, आप ठीक हैं? आपने कमेंट किया था टिकटॉक पे मुझे, मैंने वो लाइक किया था, मैंने देखा था आपको। चलें, बहुत शुक्रिया। हमें ना हमारे सामने आए तो हम लाइक कर देते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। ओके जी, क्या कह सकते हैं? और सब अमन है? अमन ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था इस बच्चे से, और पीछे वो लकी वान साहब जो कि कश्मीर स्टूडियो के नाम से, कश्मीर स्टूडियो नहीं बल्कि कश्मीर न्यूज़, कश्मीर टीवी के नाम से उनका चैनल भी, आप लोग सब उन्हें जानते ही होंगे कश्मीर में। तो ये छोटा बच्चा भाग गया आप मुझसे, तो ठीक, अब जा रहे हो घर? मैं अभी रुकेंगे, फिर जाएंगे। और कौन आया हुआ है साथ? अकेला। अकेले ही हो? फो, इतने बड़े मजमे में अकेले, डर नहीं लग रहा? चलो ठीक है, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आप इमरान खान को, पीटीआई को भी सपोर्ट करते रहो, और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। सही है, तो मेरा मैसेज दे दो इन्हें, बोल दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक करें, वीडियो को भी लाइक करें। और हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। हाँ, तब तक के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। साथ में जान छोड़ो।